हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम यूनिट 3 जो कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है और हमारे यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसके लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इकोलॉजी एंड नीस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो इकोलॉजी एंड नीस कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोलॉजी एंड नीस कंसेप्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप कम से कम 50% मार्क्स अचीव कर लोगे। 50%, आई एम नॉट सेइंग 2-3%, इट इज 50%। ठीक है, तो ये यूनिट ही बहुत इसी में खास है, अपने आप में खास है। तो इस यूनिट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से सुने और इस लेक्चर का अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए कि हम क्या क्या टॉपिक्स इनमें आते हैं और किस तरीके से हमको इसकी स्टडी करनी है। देखो, विजनरी क्लासेस एक इनिशिएटिव है जो कि आपको कंप्लीट नॉलेज देगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरीके के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल्ड कहानी बताने जा रहा हूँ। जब लेक्चर से स्टार्ट होता है तो उसमें डिटेल कहानी होती है, तो इसलिए डिटेल्ड कहानी आप सुनो। जितना आपको ज़रूरी है उतना पढ़ो, ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूसी नेट का एग्जाम में नहीं आता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन गो, बट फॉर यूसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू यू टू रिमेंबर दोज टॉपिक व्हिच आर वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इन द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी, यहाँ पे हम जो पहला चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोलॉजी का डेफिनेशन और इकोलॉजी के बारे में। देखो, किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके डेफिनेशन से ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बिना डेफिनेशन के तो कुछ करोगे नहीं। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है, देखो शॉर्ट शॉर्ट बनाओ, नोट्स भी ऐसे ही बनने चाहिए। साइंटिफिक स्टडी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसका, ऑफ किस चीज का, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, प्लस सिंबल दे दिया यहाँ पे। देखो नोट्स बनाने के तरीके, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर प्लस विथ देयर इन्वायरमेंट्स। तो ये समझ में आया कि इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप्स देखते हैं किनके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट में आप मौजूद हो, आप किसी न किसी चीज के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के साथ भी रिएक्ट करोगे। तो रिएक्शन का अर्थ क्या है कि आप पानी ले रहे हो, हवा ले रहे हो, खाना ले रहे हो, तो ये सब इन्वायरमेंट आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इन्वायरमेंट के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, काउ के साथ कर रहे हो, गोट के साथ कर रहे हो, कैमल के साथ कर रहे हो, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ आपका इंटरेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, एज ए ह्यूमन यू आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के साथ भी आपका रिएक्शंस बनता है। ठीक है, तो ये सब एक तरीके का रिलेशनशिप है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टर्म इकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ट्रू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज ओक्यूज मीन्स हाउस एंड लोगस मीन्स स्टडी। ये क्या बताता है, डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सेम सेंटेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये ओक्यूज मीन्स हाउस एंड लोगस मीन्स स्टडी, ये आपको पता होना चाहिए। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, इसमें और कोई तोप मर चीज नहीं है। तो आप बड़े अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में वो क्या बोल रहा है कि इकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। किसने बताया है, ईपी ओडम ने बताया है। कब बताया है, 1969 में बताया है। ठीक है, तो ये आपको डे सेंटेंस याद हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई तोप मार चीज नहीं है। ये आपको बस इस सेंटेंस याद करना है कि ईपी ओडम ने इकोलॉजी को स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर बताया। अब बात करते हैं, इसमें दो ब्रांचेस होते हैं इकोलॉजी में, दो खास ब्रांचेस हैं। कौन सा, एक है ऑटो इकोलॉजी, एक है सिन इकोलॉजी।
तो ऑटो इकोलॉजी में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी। देखो पहले ही पढ़ चुके हैं लोगस मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज। सीन इकोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ क्या, रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सिंपल कंसेप्ट याद हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे ऊपर जो होता है इंडिविजुअल, फर्स्ट लेवल याद करो, सबसे छोटा बेसिक फर्स्ट इंडिविजुअल। सेकेंड लेवल होता है पॉपुलेशन, थर्ड होता है कम्युनिटी, फोर्थ होता है इकोसिस्टम, फिफ्थ होता है बायोम, एंड बायोस्फीयर होता है सिक्स। तो सिर्फ आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही याद नहीं करना है, इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए कि कहां पे क्या होता है। इनके फंक्शंस पता नहीं होंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100%, 200% लगा लो, 100%, एक क्या 200 लगा लो, 100 तो छोड़ दो, 200 लगा लो, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस याद करना है, नीचे से ऊपर याद करो या ऊपर से नीचे याद करो, याद करो। ठीक है, फाइनली इसको बनाओ, नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लेवल्स देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स में होता क्या है। पहला है ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है। स्टडी और फॉर्म्स, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल मतलब कैसा उसका सोसाइटल बिहेवियर कैसा है, मतलब एक एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब थोड़ा इस जगह में मौजूद है, थोड़ा उस जगह में मौजूद है, फिर एडेप्टेशन की किस तरीके से क्लाइमेट से अडेप्ट हो रहा है। ठीक, इतना तो क्लियर है भाई, ये सेंटेंस तो बड़े क्लियर क्लियर है, इनको तो तुमको पढ़ ही लेना चाहिए, नोट्स बना लो, पढ़ लो, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव्ड इन अ डिफाइंड एरिया। देखो ये सब सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड एरिया, इंटरैक्ट विथ ईच अदर, प्लस फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, इंटरब्रीडिंग मतलब एक दूसरे में ब्रीडिंग करके इंडिविजुअल पैदा करने वाले, एट ए स्पेसिफिक गिवन टाइम इन ए स्पेसिफिक एरिया। सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन में ही इसका राज छिपा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ो, बिना डेफिनेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, डेफिनेशन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। फिर बात करते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन था, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात चल रही है। वहां पे क्या था, इंटरब्रीडिंग फ्रीली हो रहा था, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। फिर आते हैं बड़ा वाला, दैट इज इकोसिस्टम, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर फिजिकल एनवायरमेंट इंटरैक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट भी इंक्लूड हो जाता है इकोसिस्टम में, यहां तक नहीं हुआ था, कहां तक, अपना कम्युनिटी तक नहीं हुआ था, कम्युनिटी में कुछ नहीं हुआ था, इकोसिस्टम में आते ही आपका फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब समझो, बात को समझो, कब क्या हो रहा है इस कंडीशंस को पता करो, तो डेफिनेशन के साथ आप इसके प्रोसेस को भी लर्न करो कि कौन क्या करता है, किसका क्या रोल है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर बात करते हैं बायोम, तो बायोम क्या होता है, लार्ज कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन टाइप्स, तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप जरूर पढ़ लो, वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेशन टाइप्स हैं, ठीक है, रीड रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉलेज रखना बुरी बात नहीं है, नॉलेज रखा करो ना, दिक्कत क्या है? इतना कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत क्या है तुमको? कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे निकालोगे भाई? कंसेप्ट क्लियरेंस तो कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वेजिटेशन टाइप, रीड इट। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, डीपली कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ो, अननेसेसरी मत पढ़ो। डीपली कंसेप्ट क्लियर करते हुए पैटर्न समझो एग्जाम का और फिर पढ़ो, तभी आप क्लियर कर पाओगे। फिर आता है क्या इसमें कि एसोसिएटेड फौना फाउंड इन ए स्पेसिफिक क्लाइमेट रीजन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक जोन्स, किस क्लाइमेटिक जोन पे मौजूद है उसको हम बायोम बोलते हैं। बायोम रिफर्स टू बेसिकली टेरिस्ट्रियल एरियाज। समझ में आया? इस चीज को अच्छे से याद करो, डेफिनेशंस पढ़ो और हर एक लेवल के बारे में समझो, जैसे मैंने समझा है, उसके बाद ही बना पाओगे। और इसको तो पढ़ो भाई, इसको तो पढ़ो, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको तो जरूर पढ़ो। वर्ल्ड के वेजिटेशन टाइप्स पढ़ के रखो, कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन टाइप्स है। ओके, अब बात करते हैं बायोम्स के एग्जाम्पल्स की। देखो एग्जाम्पल्स अगर बायोम का लें तो एक पहला एग्जाम्पल अगर हम ले रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं भाई, अमेजन, अमेजॉन किसको नहीं पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। टाइगा वेजिटेशन, टाइगा वेजिटेशन ये भी पता होना चाहिए आपको, कहाँ पे मौजूद है, क्या है। ठीक है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैंने पहले ही बोला वेजिटेशन टाइप्स पढ़ो जाके। फिर आता है टेम्परेट डेसिडियस, ठीक है ये भी एक है बायो। फिर आता है फोर्थ ग्रासलैंड्स, फिफ्थ डेजर्ट एंड सिक्स्थ टुंड्रा। टुंड्रा तो आप जानते हो कोल्ड रीजन में होता है, ठीक है, कहां पे होगा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भाई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पता करो क्या होते हैं। अब ये भी नहीं बताएंगे आपको, ये हम सब बता देंगे तो हो गया। यूरोप, नॉर्थ, इतना हिंट दे रहा हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में जाके पढ़ो, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं उन इलाके में, टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं जो कि टुंड्रा बायोम को रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? इसको अब नहीं बताएंगे आके। डेजर्ट तो आप जानते ही हो, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। थार है, सहारा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा चित्र दिख रहा है, कैक्टाई, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्रासलैंड्स, यार वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स पढ़ो जाके, वर्ल्ड में ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ो यार, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब पढ़ोगे? जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, किस चीज की, यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो इन सब चीजों को जरूर पढ़ो यार, ये सब जनरल जीके है, इनको पता नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो आई होप कि आप बायोम्स के कंट्रीज पढ़ोगे, ठीक है, और मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओगे, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो यू शुड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट वर्ल्ड का इस पोर्शन में रेन फॉरेस्ट मिलता है, इन कंट्रीज में टाइगर मिलता है, टेम्परेट मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, डेजर्ट मिलता है, टुंड्रा मिलता है। देखो अगर एक सच्चे स्टूडेंट हो तो जरूर लिख के दोगे ताकि हमको पता चलेगा कि यू आर लिसनिंग माई लेक्चर एंड यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज ऑल दी वेजिटेशन टाइप्स प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। तो आप करो, इसको प्रैक्टिस करो। देखो चीजें प्रैक्टिस करने से ही होंगी, बिना प्रैक्टिस के तो होंगी नहीं। ओके, हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हैबिटेट। तो अब हम हैबिटेट के बारे में बोलने वाले हैं, तो हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हैबिटेट क्या बोलता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट प्रोवाइड्स क्या, एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव, क्या, स्पेस, फूड, वाटर, कवर एंड शेल्टर। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए।
फिर बात करते हैं अर्थ के क्या है, फोर मेजर हैबिटेट्स हैं, कौन से, टेरिस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्चुरी एंड ओशन। ओके, ये भी आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। एस्चुरियन कहाँ होता है, जहाँ पे रिवर मीट करता है ओशन को। ओके, ये तो आपको पता ही है। फिर बात करते हैं नीश एंड ऑर्गेनिज्म की। देखो नीश आ गया, अब नीश जो है यहाँ पे सारा खेल है कि नीश होता क्या है। क्या होता है कि मेनी स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट, जैसे कि हमारा टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, यहाँ पे हम बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे पानी है, पानी में क्रैब होता है, फिश होता है, डॉल्फिन होता है, व्हेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन उनके होते हैं। तो जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज होता है इन इट हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड नीश। देखो ये याद करने की जरूरत है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हैबिटेट ऑफ ए स्पीसीज इज लाइक ए एड्रेस वेयर इट लिव्स, वेयर नीस कैन बी एज ए प्रोफेशन एक्टिविटीज और रिस्पॉन्स। समझ में आया कि जहाँ पे हैबिटेट होता है वो क्या होता है, घर होता है, ठीक है, एड्रेस होता है, बट नीस क्या होता है, फंक्शनल और प्रोफेशन से पता किया जाता है। तो आइए नीश को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको पूरी कहानी बता देगा, ठीक है। तो एक नीश का एग्जाम्पल के साथ ही आप उसके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक बार्किंग ट्री फ्रॉग है। अब बार्किंग मतलब आवाज़ करता है यार, सिंपल सी बात है, बार्किंग मतलब आवाज़ करता है। जो मेंढक होता है वो तो आवाज़ करता ही है, वो आपको पता है, इतना बताने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार्किंग ट्री फ्रॉग मतलब नाम ले लो, ठीक है, समझ लो कि बार्किंग ट्री फ्रॉग ही है। तो उसका जो हैबिटेट होता है वो कहाँ होता है, वुडन रीजन्स। अब ट्री है भाई तो वुडन रीजन में रहेगा, या तो वेटलैंड में रहेगा, दो जगह में रहेगा, या तो पेड़ में रहेगा नहीं तो वेटलैंड में रहेगा, दोनों में से कोई एक जगह में रहेगा। बिहेवियर क्या है इसका, कि ऑफन फाउंड इन ट्रीज कैन बुरो और बार्किंग कॉल अट्रैक्ट्स द मेट्स। समझ में आया, ये इसका बिहेवियर है कि पेड़ में रहता है, ठीक है, पेड़ में होल्स बना के रहता है, बार्किंग कॉल अट्रैक्ट्स द मेट। बार्किंग क्यों करता है, ताकि अपने सह कलीग्स, ठीक है, मतलब दूसरे मेंढकों को बुला सके, अट्रैक्ट कर सके मेट्स को, ठीक है। फिर क्या होता है, खाता किस चीज को है, ये स्मॉल इंसेक्ट। अरे मेंढक क्या खाएगा, इंसेक्ट ही खाएगा ना, तो इसलिए स्मॉल इंसेक्ट। और खाया किसके द्वारा जाता है, बर्ड्स, बड़े बड़े चिड़िया खा लेंगे, या तो भाई स्नेक खा लेगा, सांप खा लेगा, या तो रकून खा लेगा इसको, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम क्या है, लिमिट द इंसेक्ट, एरिएट द सॉइल एंड सर्व एज ए फूड सोर्स। ये इसके नीश है, समझ में आया। अब ये नीश क्या हुआ इसमें, सपोज करो कि जो मेंढक है उसका काम क्या है, इस मेंढक का काम क्या है, इस मेंढक का काम है कि ये फीड करता है स्मॉल इंसेक्ट्स को। तो स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे कहाँ, इंसेक्ट्स होते कहाँ हैं, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन हो, ठीक है। और ह्यूमिड कंडीशन मेनली कहाँ पे मिलेंगे, दो जगह में मिलेंगे, या तो पेड़ों के पास, या तो वेटलैंड। ओके, ये तो आपको पता है। तो ये इसका फंडामेंटल नीश है। देखो इंसान का भी अगर हम एग्जांपल लें तो इसी तरीके से चलता है ना, एक इंसान जो है वो दो जगह में पाया जाएगा, एक तो जहां वो काम करता है और एक तो जहां वो रहता है। तो जहां वो रहता है, ठीक है, एड्रेस ऑफ होम, ये क्या है, ठीक है, एड्रेस ऑफ होम क्या है, हैबिटेट है, जहां उसका घर है वो, दैट इज योर हैबिटेट। बट अगर नीश की बात करें, नीश ऑफिस, ऐसा इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के ऑफिस जाएगा, मतलब जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह वो वहां जाएगा। अब डॉक्टर है, हॉस्पिटल ही जाएगा ना भाई, तो डॉक्टर का जो नीश हुआ दैट इज हॉस्पिटल, क्योंकि वो भाई प्रोफेशन डिसाइड है कि उसको हॉस्पिटल ही जाना है। समझ में आया, तो इस तरीके से आप समझो चीजों को। देखो कंसेप्ट क्लियरेंस तब होगा जब अपने आप से रिलेट करोगे या आपके आसपास के एनवायरमेंट से रिलेट करोगे, तभी आपको चीज क्लियर होगा।
आई थिंक कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा, और कुछ एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया है तो भाई डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, तो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि ये नीश इज ए यूनिक। नीश हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, लेकिन स्पीशीज जो होते हैं वो शेयर करते हैं हैबिटेट्स को। बहुत सारे स्पीशीज जो होते हैं वो एक हैबिटेट में रह सकते हैं, लेकिन जो नीश है वो उसका प्राइम प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव सेम नीश बिकॉज दे विल कम्पीट विथ वन अनदर एंड वन विल बी डिस्प्लेस्ड फाइनली। तो एक खत्म हो जाएगा, कंपटीशन होगा तो एक दूसरे को मार के, एक इंसान तो जो डोमिनेटिंग होगा वो मार के खत्म कर देगा दूसरे को, है ना, इसीलिए डिस्प्लेस्ड फाइनली। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नीश की, तो टाइप ऑफ नीश में सबसे पहला आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीसीज वेयर इट इजीली गेट्स फूड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और क्या है, विदाउट फियर घूमे, नो कंपटीशन, कंपटीशन ना हो, समझ में आ रहा है, कंपटीशन नहीं होगा तो घूमेगा। अब जैसे कि अगर डॉग्स हैं एक जगह में, डॉग्स है, शेर आ जाएगा तो डॉग्स को मार के भगा देगा ना, तो डॉग्स जहां पे मौजूद हैं वो उनका फंडामेंटल नीश है। अगर शेर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, शेर आने से क्या होगा, अब वो रियलाइज्ड नीश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इट इज ए इन्वायरमेंट दैट स्पीसीज फाइनली गेट्स बिकॉज ऑफ मेनी लिमिटिंग फैक्टर्स। प्रिडेटर आ गया, प्रिडेटर आ गया तो प्रे जो है वो तो भागेगा ही ना, तो सिंपल सी बात है। इसीलिए क्या होगा कि स्मॉलर देन फंडामेंटल नीश होता है। कौन? रियलाइज्ड नीश जो होता है वो स्मॉलर देन फंडामेंटल नीश होता है। और रियलाइज्ड नीश में क्या होता है, ये सबसेट ऑफ फंडामेंटल नीश एंड फोर्सेस ए स्पीसीज टू लीव एंड एडेप्ट द प्रेजेंट कंडीशन। जबरदस्ती उसको प्रेजेंट कंडीशन में एडजस्ट करना होता है, किसमें, रियलाइज्ड नीश में। तो दो नीश के बारे में आपको कंप्लीट क्लियर हुआ। अब नीश के क्वेश्चन आएंगे तो आई थिंक कि आप गलत नहीं करोगे, थोड़ा सोचना, एग्जाम्पल भी देगा तो भी सोचना, सोच के करना। देखो कंसेप्ट क्लियर रखो यार, कंसेप्ट मेन चीज होता है किसी भी टॉपिक का। अब इस चीज को तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आई होप कि आप समझदार हो, अब इसको पढ़ लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, जिसमें वो क्या बताता है कि कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समटाइम्स कॉल्ड एज गॉस लॉ टेल्स अस हाउ टू स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विथ एग्जैक्टली सेम नीश इन हैबिटेट। क्या होगा, अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर और मोड ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो एडेप्टेशन तो पता है, एडेप्टेशन का डेफिनेशन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, अपीयरेंस एंड बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो हर वर्ड का अपना एक वजूद है, अपीयरेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। तो गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, गॉसे लॉ, ठीक है, इसके अंदर ये डेफिनेशन बताया, फिर एडेप्टेशन का डेफिनेशन बताया, तो ये दो टर्म आपको याद हुए। इकोलॉजी में टर्म्स का खेल है, पहले ही बता रहा हूँ, टर्म्स अच्छे से याद करो इकोलॉजी के जो भी हैं। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, बिना एग्जाम्पल्स के बाबा नहीं समझ पाओगे कोई टॉपिक, तो एग्जाम्पल्स के बिना तो मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। आई विल एग्जाम्पल लाइज ऑल दी कंसेप्ट फर्स्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक मराइन क्रस्टाशियन, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक मराइन क्रस्टाशियन एक ऑर्गेनिज्म है विथ एन एक्सटर्नल सेल व्हिच अटैच इटसेल्फ टू परमानेंटली टू ए सरफेस एंड फीड्स बाय फिल्टरिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर यूजिंग इट्स मॉडिफाइड फेदरली लेग्स। ये ऑर्गेनिज्म, इसका काम है ये, ठीक है। तो ये करता क्या है कि यहां पर आप दो चीजों को देख सकते हो, एक है फंडामेंटल नीश, एक है अपना रियलाइज्ड नीश। तो एग्जाम्पल में क्या सेट हो रहा है कि एक शिथामलस बार्नकल्स कैन लीव इन बोथ डीप एंड शैलो इंटरटाइडल जोन, ठीक है, ये डीप है, ये शैलो है, ठीक है, इंटरटाइडल जोन, टाइड्स के बीच का जो जोन है, ठीक है, डीप एंड शैलो इंटरटाइडल जोन में कौन रह सकता है, थैलामस बार्नकल्स, चिथालामस बार्नकल्स, ठीक है। बट अगर कंपटीशन बढ़ेगा फ्रॉम बैलानस, बैलानस कंपटीशन बढ़ाता है, तो बैलानस अगर कंपटीशन बढ़ाएगा तो ये जो छिथामलस है, पहले छिथामलस कहाँ थे, यहाँ पे थे पानी के नीचे, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस इन्होंने ये जो छिथामलस बार्नाकल्स हैं उनको ऊपर की तरफ
खदेड़ दिया, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ चलने लगे भाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनको जबरदस्ती जाना पड़ा, क्यों, क्योंकि एक प्रिडेटर आ गया है उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है इन्वेजिव स्पीसीज का भाई, इन्वेजिव स्पीसीज जो कि नेटिव स्पीसीज को परेशान करते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, ये एक तरीके का इन्वेजिव स्पीसीज है, उसकी जगह को ले लिया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंडामेंटल निश एंड रियलाइज निश, इसीलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चीज को जरूर समझो। अब तो आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैं दिखाता हूं, देखो खूबसूरती भरी पड़ी है, पूरे वर्ल्ड में खूबसूरती भरी पड़ी है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बढ़िया खूबसूरत दिख रहा है, कौन सा ही है, छिथामलस बर्नाकल्स, ठीक है। तो आपको देख रहे हो, तो वर्ल्ड में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, आप अगर इनके बारे में नॉलेज रखोगे तो बुराई क्या है, तो नॉलेज रखा करो ना भाई, तो इन सब चीजों के बारे में कभी सोचो तो सही, कुछ कभी पढ़ो तो सही, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब यूसी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मेरे को समझाना था इस पार्ट में मैंने समझा दिया है, एंड नाउ यू शुड मेक दी नोट्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, साथ ही साथ आपको कमेंट्स भी आप लिख सकते हो, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। लेकिन मैंने जो काम दिया है, जैसे कि वेजिटेशंस वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखना है, तो दैट इज योर जॉब, यू शुड डू दैट। आप ढूंढो कौन से कंट्रीज में कौन सा वेजिटेशन मिलता है और उसको कमेंट बॉक्स पे टाइप करो, आप ही का रिविजन होगा, इट विल बी योर रिविजन, ओके। आई थिंक नाउ वी आर फाइनल, सो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं, हैव ए नाइस डे।